और चीजों पर नहीं खा रहता है।
के बारे में बात होगी। चौथे नंबर पर बाग इस्लाम मुसलमान दुश्मन, इस्लामी अहकाम के बारे में बहुत शकूक, बहुत शकूक और शुभात के अंदर मुब्तला होते हैं कि अजाब कब्र होता है या नहीं होता है। केरला के अंदर कुछ गैर मुस्लिम नौजवानों ने कब्र के अंदर कैमरे फिट किए थे और LCD लगाई थी, और जब कब्र में मुर्दे को रखा गया तो क्या अंजाम हुआ उसको बयान किया जाएगा। आखिर में दुनिया के अंदर रशिया एक ऐसा मुल्क था जो इल्हाद की बुनियाद पर कायम था और किसी किस्म के कोई मजहब को मानने वाला नहीं था, कम्युनिस्ट मुल्क था। कम्युनिस्ट मुल्क के अंदर इंकलाब आया, तब्दीली आई, उसके बहुत सारे असबाब हैं। उन असबाब में एक सबब यह भी था कि उन्होंने अहवाले बरज़ख को वहां के साइंसदानों ने, कब्रों की चीखों पुकार को वहां के साइंसदानों ने सुना। वो किस सन में कहां वाकया पेश आया इसको बयान किया जाएगा। नंबर एक पर जालिमों का अंजाम, नंबर दो पर तिरंगे को सल्यूट करना, सलाम करना, कौमी गीत गाना, शरीक क्या हुक्म रखता है। नंबर तीन पर नाइट जो लिखा जाता है, ऐसे कपड़े पहनना, ऐसी हैट पहनना, और लिखने वालों का क्या मकसद है और उसका क्या तर्जुमा है और ऐसे जुमले क्यों लिखे जाते हैं उसके बारे में बयान होगा। नंबर चार पर केरला के अंदर कब्र के अंदर जो कैमरा रखा गया और LCD में देखा गया मंजर, तो क्या हुआ। आखिरी में रशिया कम्युनिस्ट मुल्क के अंदर जो इनकलाब आया, बहुत सारे असबाब थे, उन असबाब में एक सबब यह भी था कि एक वाकया अहवाले बरज़ख के अहवाल सुनने का आया। पहले नंबर पर हम आते हैं, असल में ये उन्वान पिछली जुमा का था। एक चीज बर वक्त अगर की जाती है, बर मौका की जाती है, तो उसकी बात और होती है। चूंकि 26 जनवरी के बाद का मसला था, इसलिए तिरंगे का मसला था, सल्यूट का मसला था, कौमी गीत गाने का मसला था, और हिंदुस्तान की आजादी के बाद, और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की जंग आजादी सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी। 1857 के बाद मुसलमानों ने जब देखा कि तने तनहा ये जंग लड़ी नहीं जा सकती, आजादी हासिल नहीं की जा सकती, तब जाकर हिंदुस्तान के दीगर बिरादराने वतन को, दीगर कौमों को साथ लेकर 1947 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आजादी हासिल का परवाना हासिल किया। और 1950 के अंदर यहां पर जमहूरी निजाम, सेक्युलर निजाम कायम किया गया। मसला यह था कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब अहले हिंद के हाथ में हुकूमत आई, तो चूंकि मुसलमानों से हुकूमत छीनी गई थी, जो चीज जिससे छीनी जाती है, ये रुमाल मेरा है, आप कोई सारिख, कोई चोर, कोई उचक्का अगर इसको छीन लेता है तो फिर ये रुमाल का हकदार मैं ही होता हूं। हकूमत मुसलमानों से छीनी गई थी, अब हकूमत करने का हक मुसलमानों को था, लेकिन चूंकि 1857 के बाद मुख्तलिफ बिरादरान वतन ने हिंदुस्तान की तहरीकी आजादी में साथ दिया था, तो हमारे अकाबरीन अगर चाहते तो खिलाफत इस्लामिया के लिए जोर डाल सकते थे। इस्लामी हुकूमत छीनी, अंग्रेजों ने छीना, अंग्रेजों से लड़ाई हमने की, अब वो चीज हम मिली है, तो हम हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी मुमलकत और इस्लामी निजाम हुकूमत कायम करेंगे।
حالات بڑے خونخوار حالات تھے، بڑی مجبوری کی حالت میں چاہتے نہ چاہتے بادل